नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आपके पार्टनर आपके पीछे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। ऑब्सेशन का ऐसा लेवल होगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। इसे नेगेटिव लेकर के मत जाना, इसे पॉजिटिव लेकर के जाना। आप देखना कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, आपने कहावत सुनी है, अरे अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको सुना देती हूँ। बंद मुट्ठी लाख की, खोल दो तो राख की। ये आप रिलेशनशिप के अंदर लगा करके देखिए, आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। मुट्ठी बंद रखिए, आप ऐसे खोल देते हैं, सारा सारा टाइम आप अवेलेबल रहते हैं, अपनी सारी चीजों को छोड़ देते हैं। जैसे जैसे आप रिलेशनशिप में आगे जाते हैं, आपके दोस्त छूटते हैं, आपका करियर छूटता है, आपकी हेल्थ छूटती है, आपकी सेल्फ ग्रोथ छूटती है, आपके अपने खुद के परिवार के लोग छूटते हैं। ये धीरे धीरे मुट्ठी पूरी तरीके से खोल देने वाला काम होता है, जो राख हो रहे हैं आप। ठीक है, सारी चीजों को बंद रखिए और जितने भी एरियाज में काम करते हुए आपने इस इंसान को पाया है ना, वो सारे काम आप करते रहिए, बल्कि दुगनी रफ्तार से करना शुरू कीजिए। उस इंसान को भी सपोर्ट करना शुरू कीजिए। जितना भी आप अपनी हेल्थ पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने करियर पर, सारी चीजों पर काम कर रहे हैं ना, सामने वाले को भी आप ये बोलिए कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। आपको भी ये करना चाहिए, आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए, कुछ दिन करके देखो, आपको जरूर अच्छा लगेगा। ऐसे ज्ञान की तरह नहीं देना है, करना चाहिए तुमको, क्यों नहीं करते हो तुम करके देखो एक बार, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, ये सब नहीं करना है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, इस तरह से बोलिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और लड़िए मत। अगर कुछ चीजें वो आपकी नहीं मानते हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फिजिकल होने से बहुत पहले, मतलब वो तो कई साल बाद, वो भी शादी के बाद जाने की सोचना, पहले ये आप देखो कि शादी के बाद तो ऑब्वियसली आप शादी करोगे, वो आपके पार्टनर होंगे, भाई बहन थोड़ी ना है, आप करोगे ना, फिजिकल रिलेशन में जाओगे ना। लेकिन उसके पहले आप ये देखो, एक इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए। ये जरूरत से ज्यादा अवेलेबल रहने से नहीं होगा। आप इतना रो धो करके, गाना गा गा करके इतना रायता फैला दोगे कि वो इमोशनल बॉन्ड भी तोड़ देते हैं लोग। तो इतना अवेलेबल नहीं रहना है। जितना ज्यादा आप अवेलेबल रहोगे, इमोशनल बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा। लोगों के मन में ये बहुत गलत धारणा है कि हम ऑल द टाइम किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे तो हम इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं, भूल जाओ। मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जो पूरी पूरी रात बाबू शोना करके सो रहे हैं, बाबू शोना करके उठ रहे हैं, चाय से लेकर के रात तक उनका बाबू शोना ही हो रहा है। आज वो बाबू शोना का कौन सा कहाँ पता नहीं है कुछ। तो इसका ये मतलब हो गया, जरूरत से ज्यादा अवेलेबल रहना आपकी मुट्ठी का खोल देना है और खुद को ही राख बना लेना है। नहीं, मुट्ठी बंद रखनी है, धीरे धीरे रेत को फिसलने दीजिए, धीरे धीरे उन तक आपकी बातें जाने दीजिए। ग्रोथ डिस्कस कीजिए, इमोशनल चीजें डिस्कस कीजिए, अपनी फैमिली की बुराई ना करें, उनके परिवार की कोई बुराई ना सुने। जितना ज्यादा आप सटल रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे, जरूरत से ज्यादा नहीं मचाएंगे, आप देखना कि आपका जो पार्टनर है ना, वो आपके पीछे धीरे 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 करके समझ, क्योंकि वो समझता ही रहेगा पूरे रिलेशन में आपको, और आप भी समझेंगे उनको, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं है। तो वो जो एक क्रेज है ना, वो बना रहेगा, और वो क्रेज को बनाने के लिए आपको एफर्ट्स डालने होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, कोई बात नहीं यार, बहुत मन कर रहा है, क्या हो गया, अभी नहीं करना है मुझे, मुझे बात नहीं करनी, मुझे नहीं देना है ये टाइम। मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ भी हैंग आउट के लिए जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, जाना चाहिए। हर चीज को लेकर के स्क्रीनशॉट दो, ये शेयर करो, वो शेयर करो, अगर इतना विश्वास ही नहीं है तो ये चीज खराब कर देगी आपको। नहीं, इतना ज्यादा ओपन होने की जरूरत नहीं है। उनको बोलिए कि आपको मुझ पर विश्वास है ना, मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में, हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और सचमुच में अगर गलती से किसी दिन खुल भी जाए ना, तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप मांग भी लेंगे और कोई आपको कुछ दे भी देगा, मान लो स्क्रीनशॉट दे दिया, ये दे दिया, अरे यार उसके अंदर से बहुत कुछ डिलीट, रिमूव, हटाया, बढ़ाया जा सकता है ना, तो उन चीजों पर क्यों विश्वास करते हैं? और ऐसे में आप अपने रिलेशन को ही खराब कर रहे होते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियों से बात की है, अब भी मैं बहुत सारे लड़के लड़कियों से बात करती हूँ, जो मुझे बोलते हैं कि हाँ वो तो अपने पार्टनर को एक स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, और अपने वो जो भी पासवर्ड्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें शेयर कर देते हैं। देखिए, वो शेयर करना, वो बातें करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता है ये बहुत ज्यादा मुट्ठी खोल देने जैसा है? एक दिन आपकी शादी हो जाएगी, वो सब कुछ शेयर्ड ही रहेगा ना यार, उनके पास भी है, आपके पास भी है,
हमारे तो पासवर्ड भी एक ही होते हैं, मतलब मेरे जो पासवर्ड है वही मेरे घर में भी सबके पासवर्ड है, जो सबके पासवर्ड है वही मेरे भी पासवर्ड है, लेकिन फिर भी उसके बीच में एक स्पेस है ना, उसके अंदर भी मेरी कुछ पर्सनल चीजें हैं, उनकी अपनी पर्सनल चीजें हैं, तो वो एक स्पेस है। लेकिन अगर किसी ने कुछ देख भी लिया, बाई चांस किसी की हाथों में कुछ गलती से पड़ भी गया, कुछ किसी ने कर भी लिया, चलो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है ना कि हम जेन्युइन है, तो ठीक है, वो जेन्युइन अपने आप को बना करके रखना, लेकिन उस चीज को बार बार क्लैरिफाई नहीं करना है। मुझे नहीं करना है भैया कि अभी मैं क्लैरिफिकेशंस देती रहूं कि देखो देखो ये चीज सही नहीं है, देखो देखो वो चीज सही नहीं। तुम्हें मानना है तो तुम मेरे साथ रिश्ते में रह करके वैसे भी मानोगे, नहीं मानना है तो तुम वैसे भी 10 बहाने करके निकल ही जाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपसे ऑब्सेस्ड रहे, तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके चलो, मुट्ठी को बांध करके चलो, अपने ऊपर काम करते रहो, और जो जो भी आप अपने ऊपर काम करते हो उसका 1-1% सामने वाले को भी आप बोलते रहो, लड़ाई नहीं करके, ठीक है। इसके बाद ना जितनी भी चीजें आप अपनी लाइफ में खुद के लिए कर रहे हो ना, वो अपनी हमेशा बढ़ाओ, हमेशा बढ़ाओ, हमेशा बढ़ाओ, हमेशा अपने पार्टनर के सामने और अपने खुद के नेचर को ऐसा बनाओ जो कि ना आप जो हो आप रियल हो। रियल चीजें नहीं मिलती है भाई, यहाँ पर अभी सब लिपा पोती करके कुछ भी बता देते हैं, कुछ भी दिखा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप जो हो रियल हो, कोई चीज नहीं पसंद आई है आप बात कर सकते हो अपने पार्टनर से। ये चीज ऑब्सेशन में फंसाती है धीरे धीरे करके, ये साइकोलॉजिकली काम करता है। खुद सोचिए, आपके सामने कोई इंसान है, कोई सच बोलता है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप ये बोलोगे ना यार ये इंसान गलत नहीं है, ये इंसान बहुत अच्छा है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है ना। तो कभी कोई भी अब्यूजिव वर्ड का यूज करो खुद से, और ना ही सामने वाले की तरफ से सुनो। पहली बार में भी हो गया है ना तो सीधा मना कर दो, ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, इससे आप बहुत सारी चीजें कर लोगे। इससे एक तो ना आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट समझोगे, और आप बिल्कुल भी इस चीज को अलाउ नहीं करोगे, ये आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा काम आएगा, और सामने वाला ये समझ जाएगा कि ये खुद भी ऐसा नहीं है, खुद भी ऐसी नहीं है, तो मुझे ये शब्द कभी भी यूज नहीं करने हैं। क्योंकि आप रिलेशनशिप में ना जिन चीजों को करते हो ना, आप सामने वाले को आप अलाउ करते हो वो चीजें करें। अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है, आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो, तो आप उसको बेसिकली अलाउ करते हो कि तुम मेरे साथ ये करो। वो बदतमीजी से बात कर रहा है, आपने चुपचाप सुन लिया, फिर उसके बाद आपने पुचर पुचर करके उससे बातें करनी शुरू कर दी, आप उसे अलाउ कर रहे हो तो मुझसे बदतमीजी से बात कर सकते हो। सामने वाला आपको ये दिखा रहा है तेरे तो कोई है ही नहीं, तेरे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर भी आप उसको पूरी तरीके से उतनी ही वैल्यू दे रहे हो, उससे भी ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, उसके हाथ जोड़ रहे हो, उसके पैर पड़ रहे हो, आप सामने वाले को अलाउ कर रहे हो। लेकिन अगर आप इसी सारी चीजों को ऑब्सेशन की तरफ लेकर के जाना चाहते हो, तो आपको इस सारी चीजों को उल्टा करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है, आपके अपने खुद की लाइफ के जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर काम करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आप चाहते हो कि वो इंसान आपसे ऑब्सेस्ड रहे। अब ये ऑब्सेशन के अंदर का जो मेन सीक्रेट है ना, वो ये है कि वो जो भी चीजें आप अपनी कर रहे हो ना, उसको जाने अनजाने में कभी कभार अपनी बात बोलो ऐसे कि आपको ये करके जरूर देखना चाहिए, ये मेन सीक्रेट है। इससे होता क्या है, आपकी खुद की पर्सनालिटी का भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही उस इंसान को पता चलता रहता है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। वो करे या ना करे, आपकी चीजें फॉलो करे या ना करे, उस पर लड़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपकी खुद की पर्सनालिटी उसके सामने निकल करके आ रही होती है। और हमेशा अपनी पर्सनालिटी को रिलेशनशिप में मजबूत बना करके रखो, स्ट्रांग बना करके रखो, अपने आप से प्यार करने वाला, अपनी रिस्पेक्ट करने वाला, अपने परिवार की रिस्पेक्ट करने वाला और दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाला ऐसा इंसान बना करके रखो, आपका रिलेशन हमेशा बहुत अच्छा चलेगा और सामने वाला हमेशा आपसे ऑब्सेस्ड रहेगा। पॉजिटिव वे में होगा ये सब कुछ, नेगेटिव वे में नहीं होगा, हाय तौबा नहीं मचेगी। बी पॉजिटिव, अपने आप को बना करके रखो, आप देखोगे आपके सामने सामने वो इंसान कैसे आपके साथ में रहता है, ठीक है। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने उसके ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।